तो दोस्तों देखिए, बच्चा छोटा है फिर भी देखिए आप भेड़ चला सकता है। देखिए क्या लुक है, देखिए आप भी रबारी हो क्या? मालधारी। मालधारी, क्या बात है, भेड़ पालते हो? भेड़ नहीं पालो, मगर बड़े हो भी मास दे, वही धंधा किया, कोई जमीन नहीं, जगह नहीं, मारे बस पशुपालन से, और क्या है मारे? जमीन नहीं है आपके पास? जमीन तो वह तो करो ही क्या है। मोदी जी कह रही है गरीबों के देख रही, गरीबों के क्या देख रही है? गरीब तो ऐसा ही डोल रहा है, मतलब गरीब तो, मतलब पशुपालक तो बड़ी मुश्किल से रहते हैं। बतानी माँ का नेतो ने वे भारी धापीड़ा दबा वे, सरकार तो बना रही है, होता है दूसरा क्या के बापड़ा गरीबों को थोड़ी दिख रहा है। सुबह सुबह का नजारा देख रहे हैं आप, देखिए चारों तरफ का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर रबारी समाज के लोग मालवा से वापस राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, और राजस्थान में ये पाली जिला या नागुरु, पाली जिले के अंदर पहुंच चुके हैं। तो हम आपको बातचीत करते हैं कैसे ये पशुपालन करते हैं और इनके पास कितनी भेड़े हैं। क्या नाम है आपरो? मेरा नाम घटाराम। घटाराम, क्यों गाँव है? गाँव जालोर जिला बाजरा जून रामा बाला। रामा बाला, कितने दिन से चल रहे हो अभी? 8 बजे से 6 बजे तक चलती रहे। चलती रहे, तो कितने महीने से मतलब बाहर गए हुए आप? दिवाली से निकला हम। दिवाली से निकल गई जो, और वापस दिवाली आने वाली है। बस दिवाली से निकला जब अभी जाएंगे बेटा 10-10 रुपए। तो पेट में भूख लगे, बोले पेट में भूख लगे आज बात है। कितनी भेड़ है आपके पास? हमारे पास में तो ये 500 भेड़। 500 भेड़, मतलब पूरी भेड़ों में अलग अलग 4-5 जने हो? हाँ, एक जना कोई 100 है, कोई 200, कोई 150, ऐसे है मिल के जाते। अकेले तो फिर डर रहता है ना, अकेला समय गलत है। हाँ, समय गलत। 5-10 आदमी जुट हुए जाते हैं तो अपन टाइम पास करते हैं। और कहा जाता है रईका की गेडी होती है ना, उस डांग से डरते हैं लोग। जंगल में मंगल है हमारे। हाँ, तो मतलब खाना वाना कैसे बनाते हो? क्या खाना वाना? बस साथ में, सब साथ में ही, साथ में जंगल में बहुत जटी खाना। हाँ, अब यहाँ मतलब रात को रुके हो तो खाना अब यही बनाओगे? यही खाना बनाओगे, यही रहोगे? सही है, बैठ के पड़े रहना पड़े। अब यहाँ से मान लो मालवा चले जाते हो, फिर घर की याद आ जाती, वापस घर नहीं आ सकते हो? गाड़ियों में आता रहन जाता रहे, आते रहते हो, जाते रहते हो। और गांव से भी लोग आते होंगे मिलने आपसे? सब आवे भाई, 8 महीने आप बाहर रहते हो, आपके लिए दोस्त है जो गए, और कोई दोस्त मतलब आवे, क्यों नहीं आवे, मिलवा आवे बुढ़िया आवे। हाँ, क्या हाल है, क्या हाल है पूछना? छोरा कीकर भी है, कीकर भी है, कोई कभी नहीं बना रहा, कोई तकलीफ भी है। तो सामान वहाँ से दुकानों से ही खरीदते हो? सामान सब हर तो गांव में दुकानों है। हाँ, लाना पड़े महीना 1.5 महीना और भेड़ो लाओ, महीना 1.5 महीने का। बाबा जी आप रोके नाम है यहाँ डांग हांग ले रही? मेरे नाम खिमा जी है। खिमा जी, आप रोकी हो गाँव है? गाँव मेरा डरी है। डरी बहुत यहाँ खुश उसकी कर लगवा देता, खुश मुस्कान तो बेमुखा करो, मरता खुश हुआ बीजे तो कोई क्या है। हाँ? जंगल में फरता है, दुखी रहता है। हाँ? भेड़ पालती है, पशुपालन पालता है, समय टाइम कैसी खराब टाइम आई है। हाँ? जैसे चलता है, मन तो पालना ही है, वो भेड़ को बड़ों का धंधो है, मन पालना ही है। तो पशुपालन का धंधा करते हो तो आपके मतलब जैसे जमीन जगह सही नहीं, भेड़ पालन में जैसे बीमा वीमा नहीं है आपके? बीमा कटे अब गवर्नमेंट के लिए, बीमा करो। हाँ? तो फोटो फोटो भेजो, मोहन में अनपढ़ होगा। हाँ? तो अनपढ़ मोहन को फोटो ले लीजिए, वो तो सही है, सलाह नहीं आए तो क्या बीमा ले, तो बीमा को बुझे। हाँ? कि सरकार बीमा दे रही है। हाँ? मरदा भेड़ तो भेड़ का बीमा को फोटो पढ़ने में कभी भेजो यार, मोहन तो ये फोन तो अनपढ़ होगा, अनपढ़ के पास फोन भी नहीं है, और आप तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है, नेटवर्क भी नहीं रहता है, बात भी मुश्किल से होती है घर पे, बहुत दुखी है यार। हाँ, और सरकार मोरी थोड़ी गवर्नमेंट करनी चाहिए यार, मतलब पशुपालक बहुत कम बच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। आपके रबारी समाज में पहले लोग कितने लोग थे जो भेड़ रखते थे? रखते थे जमाने में, ठीक था यार। हाँ, अब रात के टाइम में 16 को नहीं दू। हाँ, रात भर में परेशान करता है। हाँ, आपकी रात आँखों में नींद करता है बाबा, 2-3 घंटा भी एक ही काम भी करता है। हाँ, घना दुखी बहुत यार, सामा सामा पानी पड़ता है, रोटा कहाँ है, धुआं फूंका होता है, रोटी भी नहीं होता है, बापड़े लुगाई सब दुखी है यार। सही है, घने दुखी है। तो गवर्नमेंट मोरी भी थोड़ी सहायता करता है मैंने। हाँ, बापड़ा का जमाना ऐसा करता होगा तो थोड़ी भी करोगे, मतलब पशुपालन करने वाले लोगों को सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी सुविधा करनी समय ने। हाँ, खाली खेतों वाला करी मौके करी, मतलब आर्थिक अर्थव्यवस्था यही है, किसान है, पशुपालक है, यही थोड़ी मोरी भी करो। क्या नाम है आपका? हड़माना। हड़माना, कितने साल की उम्र है आपकी? 10-12 साल। आप भी भेड़ चरा लेते हो? कितनी भेड़ है आपके पास?
200। तो आप मतलब अभी खुशी से गए हो या फिर स्कूल जाते हो या क्या करते हो? खुशी से घूमने के लिए स्कूल जाते हो। बाबा जी मालदारी में और रबारी में कहीं फर्क है? हाँ मालदारी रबारी की गवर्नमेंट मालदारी बोलते है। हाँ मैं और रबारी समाज रबारी समाज रबारी समाज तो गवर्नमेंट क्या मालदारी रबारी मालदारी रबारी भेड़ो मालदारी लिख दिया मतलब मालदारी के मतलब ये माल तो इतना मतलब भेड़ देगा मालदारी होगा वो मालदारी माल नहीं बड़ा दुखी घना है वो माल कहीं देखे माल घना दुखी फिरता है यार माल नहीं देखना है घना दुखी है मतलब ये ज्यादा भेड़ देख के आपको मालदारी समझते हैं क्या माल है और लोगों को भी होता है क्या से क्या पाले माना गलता है बारिश होता है बारिश ऐसे आते है। हाँ मारवाड़ में बारिश की बहुत बड़ी समस्या रहती है कटे रात भर में रोटी भी कटे पानी आवे तो दुखी ये धन घो दूर पालन यार ये धन मतलब पशुपालन बड़ा मुश्किल का जीवन है हम भी मानते हैं किसान का जीवन और पशुपालन का जीवन बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों देखिए ये इनकी भेड़े हैं और ये बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। भेड़ आपको ज्यादा दिख रही है इनके मालिक ज्यादा है आप ये मत सोचना कि एक मालिक की है ये इतनी भेड़ दिख रही है इनके मालिक 5-6 जने हैं। इनको मालदारी कहते हैं कि इनके पास ज्यादा भेड़े हैं ये बोल रहे हैं कि हम है रबरी हमको मालदारी बोलते हैं हमारे पास इतना माल नहीं है। क्या भैया माल ज्यादा तो नहीं है आपके पास? 50-100 भेड़ों के मालिक है और मालदारी देखिए दोस्तों बाहर ही रहते हैं खाना बनाते हैं ये देखिए इनका जीवन यापन है आप देख लीजिए।